भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बागलकोटेया मत्तु विजयपुरद नन्ना सोदर सोदरियारिगे नमस्कार गुरु। मैं मां बनशंकरी को प्रणाम करता हूं। इस मन से गुरु बसवन्ना और सिद्धेश्वर स्वामी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही हमें एक दुखद खबर मिली है। संसद में मेरे साथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय के अग्रणी सिपाही श्रीनिवास प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे। श्रीनिवास प्रसाद जी कर्नाटक के चामराजनगर से सांसद थे। श्रीनिवास जी जमीन से जुड़े नेता थे, सच्चे अर्थ में जन नेता थे। अपने इतने दशकों के सामाजिक जीवन में उन्होंने हर क्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में कई अहम मंत्रालयों को भी दायित्व संभाला था। दलित वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें सद्गति दे, उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। साथियों, 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आप मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे। और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते, पूरा मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आएंगी, कब से खड़ी रही है उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस, मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी के लोग फोटो ले लेना, आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आओ, हाथ थक जाएगा आपका। अरे बाबा, साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटका का सरकारी खजाना खाली कर दिया। हालत ये हो गई है कि विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पैसा तक समय से नहीं मिल पा रहा है। और यहां के सरकारी कर्मचारी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार के पास इनकी अंदरूनी जानकारियां होती है, और मैं आपको चेतावनी चौंकाना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटका सरकार यहां के सरकारी मुलाजिमों को
पेमेंट तक नहीं दे पाएगी, पेमेंट तक नहीं दे पाएगी। आपके बच्चे भूखे मर जाएं, ऐसी स्थिति ये लोग पैदा करके रखेंगे। जनहित की ऐसी कोई योजना नहीं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का शिकार न हुई, और इसलिए तो देश के सभी अनुभवी लोग कहते हैं, इतिहास भी कहता है, कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस आई तबाही लाई। साथियों, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है, कांग्रेस पार्टी यहां वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। पूरी सरकार इसी प्लानिंग में लगी हुई है कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरें। हमारा कर्नाटका और बेंगलुरु, जिसे दुनिया में टैक हब पर जाना जाता है, टैक हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। आज कांग्रेस सरकार ने ये टैक हब को टैंकर हब बना दिया, टैंकर हब बना दिया। पानी के लिए टैंकर माफिया लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं, और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है, ये लोग 2G स्कैम जैसा लाखों करोड़ के घोटालों वाला स्कैम करने के लिए सपने देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 7 मई को कर्नाटका को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चून चून करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, पूरे कर्नाटका में कर देंगे, हमारे बागलकोट में भी कर देंगे, पूरे इस क्षेत्र में कर देंगे। साथियों, मोदी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर आता है। हमने कर्नाटका और उस क्षेत्र के लिए इतना काम किया, ये भी आपके सामने है। हमारी सरकार कर्नाटका में कई एयरपोर्ट बना रही है, इनमें से एक बीजापुर में भी तैयार हो रहा है। बागलकोट रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। बागलकोट से गुजर रहे नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। इससे बादामी, पट्टदकल और ऐहोले जैसे ऐतिहासिक जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मोदी ने उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। आज ये लोग बयान देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। अरे 60 साल हो गए, तुम कुछ नहीं कर पाए यार।
ये क्यों ऐसे दावे मार रहे हो? सर, इनकी कई पीढ़ियां इस बात का गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। करोड़ों परिवार इस देश में जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित हैं। उनके दुख, उनकी तकलीफ से कांग्रेस और उनके साथियों के कोई वास्ता नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी के आने के पहले हमारे देश में 18,000 विलेजेज ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, 18,000 गांव। आप सोचिए 21वीं सदी में 18,000 विलेजेज, करोड़ों लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था, जानवरों का खतरा रहता था। कितनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिली। लेकिन जब मोदी को आपने अवसर दिया तो गांव तक बिजली पहुंचाने का समय सीमा में संकल्प लिया, पूरा कर दिया। और उस समय ये लोग मजाक बनाते थे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल हर जगह से गुजरकर गांव-गांव बिजली पहुंच कैसे सकती है। लेकिन आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली न पहुंची। इसी तरह हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले देश में केवल 16% घरों में, 16% घरों में नल से जल का कनेक्शन था। 16% आजादी के इतने सालों के बाद भी सिर्फ 16%। मोदी ने 5 ईयर्स में 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। 70 ईयर केवल 3 करोड़ कनेक्शन और 5 ईयर में 11 करोड़ कनेक्शन। ये काम मोदी करता है। क्या ये काम मोदी के आने पहले हो नहीं सकता था क्या? वही सरकार, वही नियम, वही फाइलें, वही दफ्तर, आप नहीं कर सकते थे? मोदी ने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। भाइयों बहनों, काम हो सकता था। जब कांग्रेस को गरीब की, वंचित की रत्ती पर थोड़ी सी भी चिंता होती, लेकिन कांग्रेस को कभी गरीब की, वंचित की, दलित की, पिछड़ों की उनको परवाह ही नहीं थी। साथियों, कांग्रेस का यही रवैया हमारे बॉर्डर विलेजेस के लेकर रहा। सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस सरकारें जानबूझकर विकास से वंचित रखती थी, वैसे अपने रणनीति का हिस्सा बताते थे। यानी करोड़ों लोगों को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के तहत बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। मोदी ने ये विकास विरोधी सोच बदली। हमने सीमा पर बसे गांवों को आखिरी नहीं, देश का पहला गांव कहना और उसको उस प्रकार से ट्रीट करने का निर्णय किया। आज विकास देश के हर पहले गांव तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता का बड़ा बोझ हमारे एससी एसटी समाज भी को उठाना पड़ा। एससी एसटी समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले।
उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को मिल रहा है। साथियों, बीजेपी कर्नाटका के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है, लेकिन कांग्रेस हमारी योजनाओं को रोकने में पूरी ताकत लगाती है। हमने बागलकोट की इलकल साड़ी को उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया, ताकि यहां के बुनकरों को, जिन्हें आप नेकारा कहते हैं, उनकी इनकम बढ़े। लेकिन कांग्रेस हमारे बुनकर भाई बहनों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, यहां भी मंच पर हमारे येदुरप्पा जी भी है, उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसानों का हित बीजेपी की प्राथमिकता रहा। हमने हाल ही में शुगर कैन का मूल्य बढ़ाया है, इथेनॉल के जरिए हम गन्ना किसानों की इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्नाटका सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को रोककर पानी का संकट खड़ा करके किसानों को परेशानी में डाल दिया है। साथियों, मैं आप सबको कांग्रेस के एक और खतरनाक गेम के बारे में आगाह करना चाहता हूं। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाई बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ, जहां शिक्षा का दाम है। हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है, और सरकार पहले क्या बोलती है, कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है? बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है, ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है। और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। साथियों, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में तलवारा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था। कर्नाटका में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है।
हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। इस बार भी इनके मैनिफेस्टो में ऐसे ही सिग्नल है और मैं देख के मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे एसटी भाई बहनों को, मेरे ओबीसी भाई बहनों को, मैं आपको कांग्रेस के मंसूबों से चेतने की जरूरत समझिए। ये लोग धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए वो आपके अधिकार जो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं, जो भारत के संविधान ने दिए हैं, उस पर लूट चलाने की ताक में बैठे हैं। उनको लगता है कि आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एससी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा एसटी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं, और इसलिए उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो, क्या आप ये चलने देंगे, क्या ये स्वीकार करेंगे क्या? और मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे ओबीसी भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आजकल एक और चिंता का विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती हैं और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया हूं। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले दो तीन नाम है उसमें आपका एक मोदी है, क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी बद्दी बद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में
उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक एफआईआर करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। दूसरी एक बात, देखिए ये मोदी जो है ना, सीधा तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। आपको याद होगा कि हमारे देश में अचानक एक बार बागलकोट की चर्चा शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, जब मैंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया बालाकोट है कहां, तो बागलकोट को ही बालाकोट बांध करके यहां बम गिरे यहां बम गिरे चलाया, आधा पौना घंटा ऐसे ही चला। भाई जो बहनों, मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को कहा था कि 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उनको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। आइयो मानो, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके बाहर करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। मैं जो नेता थे, अपने इतने दशकों के सामाजिक जीवन में उन्होंने हर